कौन बनेगा करोड़पति 14 के बीते एपिसोड में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सबसे पहले जवाब देने वाले कंटेस्टेंट विभू खंडेलवाल बने, जो 19 साल के हैं और कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं। केबीसी के मंच पर विभू ने जाहिर किया कि वो सिर्फ 3,20,000 रुपए जीतने आए हैं, क्योंकि उन्हें अपने कॉलेज की फीस देनी है जो कि 3,00,000 रुपए है। उनकी माँ भी शो में आई थी और उन्होंने बताया कि कंटेस्टेंट के पिता का कुछ समय पहले ही निधन हो गया और वो एक हाउसवाइफ हैं। ऐसे में सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है। ये सुन होस्ट अमिताभ बच्चन भावुक हो जाते हैं। विभू भले ही केबीसी के मंच पर 3,20,000 रुपए जीतने आए थे, लेकिन 6,40,000 रुपए जीत गए थे। हालांकि 12,00,000 रुपए के सवाल का गलत जवाब देने के चलते वो गेम हार गए थे। बिग बी ने कंटेस्टेंट से 12,50,000 रुपए के लिए सवाल पूछा। 1989 में हमारे सौर मंडल के किस ग्रह में ग्रेट डार्क स्पॉट पृथ्वी के आकार के तूफान की खोज की गई थी? ऑप्शन दिए गए थे, ए शनि, बी यूरेनस, सी नेपच्यून, डी बृहस्पति। विभू खंडेलवाल इस सवाल का गलत जवाब दे बैठते हैं। वो ऑप्शन डी यानी कि बृहस्पति को लॉक करते हैं, जो कि गलत जवाब होता है। सही जवाब नेपच्यून है। विभू 12,50,000 रुपए जीतने से चूक जाते हैं। हालांकि वो अपना वादा पूरा करते हैं और 3,20,000 रुपए जीतकर अपने घर ले जाते हैं।